नमस्ते फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग तंदुरुस्त होंगे, ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज जो मैं आप लोगों के बीच वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूं, आज हम लोग सेटअप बॉक्स जो फ्री टू एयर का होता है उसको रिपेयरिंग करना सीखेंगे। एक्चुअली इसमें ये प्रॉब्लम है कि सेटअप बॉक्स ऑन करने के बाद इसमें लाइट नहीं आ रही है। सेटअप बॉक्स मैंने ऑन कर दिया है लेकिन मेरा सेटअप बॉक्स ऑन नहीं हो रहा। आज हम इसी को ठीक करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, तब समझ में आएगा आपको। कई लोग क्या करते हैं इस सिचुएशन में, सीधा पावर सप्लाई का ये जो सर्किट है ये पूरा चेंज कर देते हैं। हम लोग भी करते हैं लेकिन आज मैंने इसी टॉपिक पे बात करना चाहा और इसी पे वीडियो बनाना चाहा। मैंने कहा जो इसका रिपेयरिंग करने का आप लोगों के बीच वीडियो आना चाहिए, तो इस वजह से मैं आज इस पावर सप्लाई को मैं रिपेयरिंग करूंगा और इस रिपेयरिंग का क्या प्रोसेस है वो आज हम लोग देखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पावर सप्लाई दे दिया है और यहाँ वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि हमारा वोल्टेज यहाँ पे 220 वोल्ट आ रहा कि नहीं। तो हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं, एक तो हम 100 वाट का बल्ब यहाँ पे जला करके देख लेंगे इस सिरे पे, और दूसरा हम मीटर से चेक कर सकते हैं। तो मीटर को मैंने एसी 250 वोल्ट पे लगा दिया है, देख सकते हैं आप। और ये देखिए मेरा वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज आ रही है। एक बार मैं 100 वाट का बल्ब जला के दिखा देता हूँ। ये मेरा 100 वाट का बल्ब जल गया, यानी कि यहाँ तक वोल्टेज आ रही है। ये मेरा एसी वायर जो है, पावर सप्लाई का वायर, ये मेरा कंप्लीट है, ओके, इतना कंफर्म हो गया। अब रही बात इससे आगे की, तो इससे आगे जो प्रोसेस है, इस फ्यूज के द्वारा, इस रेक्टिफायर ब्रिज के द्वारा इस ट्रांसफार्मर में जाता है और इस ट्रांसफार्मर से आगे एम्पलीफाई होकर के इस एसी से यहाँ आकर के इस ट्रांसफार्मर, ड्राइवर ट्रांसफार्मर से आउटपुट करता है। तो हमारा यहाँ वोल्टेज बनता है 12 वोल्ट और यहाँ पे जो है ये मेरा 5 वोल्ट ग्राउंड, 24 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट प्लस जी ग्राउंड और 3.3 वोल्ट, इसी सप्लाई से हमारा ये मदरबोर्ड काम करता है। तो आइए हम सबसे पहले इसको ये देखते हैं कि फ्यूज का क्या हाल है, और इसको हम अब पावर सप्लाई से ऑफ कर देते हैं। अब हम मीटर से भी इसको चेक कर सकते हैं, 10K पे सेट करेंगे मीटर को, मल्टीमीटर को। ये देखिए मैंने सेट कर दिया 10K पे, ये देखेंगे कि हमारा यहां से ये जो फ्यूज है मीटर डायरेक्ट में शो कर रहा है, ये देख सकते हैं, और ये फ्यूज शो नहीं कर रहा। तो फ्यूज नहीं शो कर रहा, इसका दो कारण हो सकता है, सिर्फ फ्यूज ही फ्यूज उड़ा होगा, और नहीं तो इससे आगे का अगर रेक्टिफायर वगैरह खराब होगा तो हमारा जो है फ्यूज लगाने से कोई फायदा नहीं। फ्यूज लगाएंगे तो फिर हमारा फ्यूज उड़ जाएगा, तो इसमें हम ये करेंगे कि इसको हम सीरीज में डाल देंगे। सीरीज के दो तरीके हैं जो कि मैंने पहले वीडियो में बता रखा है आपको। एक तो होता है मेन पावर सप्लाई बोर्ड जो होता है, उसमें आप सीरीज का कनेक्शन करके एक 100 वाट का बल्ब जला के या 25 वाट का बल्ब जला करके आप जो है टीवी चेक करते हैं या सेटअप बॉक्स चेक करते हैं। और दूसरा होता है कि जो हमारा किट में फ्यूज होता है, टीवी के किट में हो या सेटअप बॉक्स के किट में हो, उसमें आप दोनों फ्यूज के दोनों सिरे पे 100 वाट का बल्ब बांध दीजिए कुछ इस तरह से। ये 100 वाट का बल्ब हमने लिया, होल्डर में लगा हुआ है, और इसको मैं एक सिरा यहां लगा देता हूं,
इस सिरे पे और दूसरा सिरा मैं लगा देता हूँ फ्यूज के दूसरे सिरे पे। अगर फ्यूज हमारा सिर्फ फ्यूज ही फ्यूज का दिक्कत होगा तो हमारा सेटअप बॉक्स ऑन हो जाना चाहिए, अगर नहीं आगे फॉल्ट होगा तो 100 वाट का बल्ब मेरा फुल पावर में जल जाएगा। ये देखिए, इसका मतलब है मेरा 100 वाट का बल्ब फुल पावर में जल रहा है तो आगे का जो हमारा ये रेक्टिफायर का ब्रिज है हम उसको चेक करेंगे, क्योंकि सबसे जो हम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं इसका जो बेसिक ज्ञान है हम उसी तरीके से काम कर रहे हैं, इसमें हम अपनी मनमर्जी कुछ नहीं कर सकते, तभी हमारा सेटअप बॉक्स रिपेयरिंग होगा। तो अब हम पहले इसका रेक्टिफायर जो है वो सभी को खोल के चेक करेंगे। मेरे वीडियो को आप जब पूरा देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा, स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, मैं कोई एडिट करके वीडियो नहीं बनाता, जो मेरा जेन्युइन काम है मैं काम करते हुए बनाता हूँ। तो इसमें 4007 का रेक्टिफायर लगा हुआ है, अब हम चेक करते हैं कि मेरा रेक्टिफायर इसमें से सही है कि नहीं है। ये देखिए, रेक्टिफायर मेरा अभी ये शो कर रहा है, ये दोनों तरफ से शो कर रहा है, जबकि रेक्टिफायर का नियम है एक ही तरफ से शो करना, ये मेरा रेक्टिफायर खराब है। अब हम दूसरा चेक करते हैं, ये एक तरफ से शो किया, दूसरे तरफ से नहीं कर रहा, यानी एक ये ठीक है, दूसरा ये शो किया, ये भी शो किया, यानी दोनों तरफ से शो कर रहा है, ये खराब है। इसको माइनस माइनस प्लस प्लस में शो करना चाहिए और प्लस माइनस माइनस प्लस में नहीं शो करना चाहिए, उल्टा नहीं करना चाहिए। देखिए, दो रेक्टिफायर इसमें ठीक है, दो रेक्टिफायर खराब है, तो हम एक साथ चारों रेक्टिफायर को चेंज कर देंगे। अभी करके दिखाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दो रेक्टिफायर हम जब चेंज कर देते हैं खराब वाला, तो फिर जो पुराना वाला रेक्टिफायर होता है वो खराब हो जाता है। तो रिक्स ना लेते हुए, ये रेक्टिफायर का कीमत कोई ज़्यादा नहीं है, हम रेट नहीं बता सकते, लेकिन उतना जो कहना चाहिए ज़्यादा वो ज़्यादा नहीं है, तो हम एक साथ चारों रेक्टिफायर क्यों ना चेंज कर दें। इसका सोल्डिंग कर देते हैं, कोई भी मिस्त्री जल्दी मेहनत का काम करना चाहता नहीं है, अगर मेहनत का काम करे तो
तो कस्टमर का भी कुछ पैसा बच जाता है और दुकानदारों का भी बचता है। लेकिन है क्या, ये थोड़ा कठिनाई भरी काम होता है इसको रिपेयरिंग करना, सेटअप बॉक्स को। सेटअप बॉक्स का जो चाहे पावर सप्लाई हो या फिर मदरबोर्ड हो, इसको रिपेयरिंग करना नहीं चाहते। लेकिन अगर रिपेयरिंग करेंगे तो सस्ते में काम निकल जाता है और कस्टमर भी खुश, आप भी खुश। अब हम देखते हैं कि हमारा जो 100 वाट का बल्ब जलता था वो जल रहा है कि बंद हो गया। अब हम सप्लाई डाल रहे हैं। देखिए, मैंने सप्लाई दे दिया है मेरा 100 वाट का बल्ब, तो मैंने ये सीरीज में डाला है वो नहीं जला 100 वाट का बल्ब, तो इसका मतलब मेरा पावर सप्लाई ओके है और मेरा सेटअप बॉक्स में भी लाइट आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं सिग्नल की कंसूल कर रहा हूँ, ये देखिए मेरा सेटअप बॉक्स फुल ओके हो गया है। अब मैं इसमें सिग्नल वगैरह डाल के पिक्चर चला के आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसको सीरीज से हटा लूँ जो मेरा ये बल्ब बांधा हुआ है। अब मैं यहाँ पे एक फ्यूज लगा दूंगा, मैंने फ्यूज लगा दिया है। अब इसको टीवी अभी केबल कनेक्ट करके सिग्नल का केबल भी कनेक्ट कर देता हूँ। बस आप दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ कारीगर लगा, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ये मैंने टीवी का सप्लाई डाल दिया है, टीवी मेरा ऑन हो गया। अब मैं सेटअप बॉक्स ऑन करने जा रहा हूँ। देखिए सेटअप बॉक्स में भी लाइट आ गया। नो सिग्नल दिखा रहा है मेरा टीवी। मैं थोड़ा सा इसका जो केबल है इसको लगाऊं सेटअप बॉक्स से। मेरा सेटअप बॉक्स ओके, ओके दोस्तों मेरा सेटअप बॉक्स ओके हो गया। आपने देख लिया इसका पावर सप्लाई में किस तरह का प्रॉब्लम था, इस तरह से आप लोग भी इसको ठीक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आऊँगा।